अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते थे कि मैं फैसलाबाद गई हुई थी अपने सिस्टर के पास, तो मैं कल सुबह ही परसों शायद मैं रात को आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैं बहुत थक गई थी। तो क्योंकि इसलिए मैं थक गई हूँ कि मेरे रिलेटिव्स यानी मेरे रिश्तेदारों में ना डेथ हो गई थी किसी की, मेरे कज़न ही लिखते थे, तो वो हम फैसलाबाद से सीधे गुजरांवाला गए थे, तो तायाबू का बेटा था, मेरे तायाबू के नाम बेटा था, तो उनकी डेथ हो गई थी। हम वहाँ गए हुए थे, वहाँ से फिर हम वापस फौरन उसी 4 घंटे के बाद हम लाहौर आए, रात के 3 बजे के करीब टाइम था जब हम आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी। उधर भी फैसलाबाद में मैं गई थी, तो माशाल्लाह हम बहनें कज़नें वगैरह सारी इकट्ठी हुई थी, तो बच्चे भी थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी कि बच्चे में। फिर मेरी जो बेटी है ना, वो जब फैसलाबाद जाती है ना, तो उधर का पानी कुछ इस तरह के कि उनका पेट ख़राब हो जाते हैं, मोशन लग जाते हैं उन्हें, तो इसी वजह से फिर मैं उधर थोड़ी सी इस तरह बिजी थी। कज़न वगैरह आए हुए थे, तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं इतनी बना सकी। तो मैंने आज भी थकावट थी सुबह, जिससे मैं बहुत दर्द था, चाय पी, मेडिसिन ली, थोड़ी सी टैबलेट वगैरह खाई, तो अब बेहतर हूँ पहले से। फिर मैंने अब अपने घर की सफाई की है और फ्रेश हुई हूँ, तो मैंने फिर सोचा कि चले मैं अब वीडियो बना लेती हूँ कि अब शेयर कर दूँ कि मैं इसलिए नहीं थी वीडियो बना सकी क्योंकि मैं फैसलाबाद गई थी, वहाँ मेरे कज़न वगैरह आए हुए थे, तो काफ़ी सिस्टर वगैरह भी इकट्ठी हुई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आज हमारे बहुत अच्छा मौसम हुआ था, सुबह से बारिश हवा चल रही थी, अब तो खैर हल्के हल्का धूप सी निकल आई है, तो वैसे मौसम बहुत सुबह से प्यारा था, परसों भी अच्छा था, कल भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा मौसम था। तो मेरी जो बड़ी बेटी है ना, वो सैंडविच चिकन और अंडे का सैंडविच सिंपल सा घर में मायोनीज लगा के वो बड़े शौक से खाती है, और उसके साथ मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है तो वो बनाती हूँ, साथ चाय बनाते और बैठ के खाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी मांग रही थी तो मैं वो बनाने लगी थी। तो मैंने कहा सोचा कि चलो मैं रेसिपी ये छोटी सी बच्चों के लिए घर में जो बनाए जाते हैं सैंडविच सिंपल से, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मौसम बहुत अच्छा था इसलिए मैंने कहा चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस तरह जब मौसम अच्छा सा हो, बारिश वाला हो, घर में पकोड़े वगैरह समोसे या सैंडविच इस तरह कोई चीज़ खाने को दिल लाजमी करता है, मन ज़रूर करता है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि घर में इस तरह के कैसे बनाए जाते हैं सिंपल से और सादे से बच्चों के लिए। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन चीज़ ये सैंडविच सादा सा घर बच्चों के लिए बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो कैसे बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर मुझे लाइक और कमेंट करना है कि ये सैंडविच कैसे बने हैं और ये कैसे नहीं, ठीक है? और लाइक लाजमी करना अगर अच्छे लगे तो आपको। तो चले आए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं, बनाए जाते हैं सैंडविच। ये देखिए जी, मैंने अंडा लिया है, उसे बॉईल कर लिया, चिकन को भी मैंने बॉईल कर लिया, सिरका लगा के नमक लगा के तो बॉईल किया है कि स्मेल वगैरह इसमें ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और इसके बाद मैंने खीरा थोड़ा सा लिया हुआ है, कट किया, वो खीरा भी शौक से खा लेती इसलिए। बच्चा इस तरह की कच्ची सब्ज़ी या इस तरह कोई भी चीज़ खा ले उसको लाजमी घर में ही बना के खिलाया करें, क्योंकि बाहर से लेने से बेहतर है कि घर में ही खिलाया जाए तो वो बेहतर रहता है। घर में इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेके घर में सैंडविच वगैरह बना कर उन्हें खिलाया करें। इसमें मैं काली ब्लैक पेपर डालूंगी और नमक बस, और इसमें आप मैं इसमें शामिल करूंगी मायोनीज, फ़िलहाल ये वाली मायोनीज लगाऊंगी, और ये जो है मायोनीज ये मैं ब्रेड के ऊपर लगा के दूँगी इसे, और वो सैंड वो केचप, ठीक है? अब मैं आपको मायोनीज इसके अंदर मिक्स करके दिखाती हूँ, और ये ब्लैक पेपर और नमक इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं फ़िलहाल इसी तरह ही उसे बना के देती हूँ, इसी तरह से शौक से खाती है तो मैं इसी तरह वो बना देती हूँ, वो खा लेती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये रेडी करके कैसे।
हाँ, एक और बात, मेरी जो छोटी बेटी है वो तो सैंडविच वगैरह नहीं खा सकती, तो इसलिए मैंने उसके लिए चिप्स भी रेडी कर ली हूँ। कि सैंडविच खा लेती है मगर वो इतने शौक से नहीं, तो उसके लिए मैं ये रेडी कर रही हूँ कि वो ये खा लेगी शौक से। बड़ी भी खा लेगी, छोटी भी यही खा लेगी। ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है। पहले मैंने मायोनीज डाली थी और इसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल के मिक्स अच्छी तरह करके और चिकन और अंडा शामिल कर लिए थे। तो अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर उसी हिसाब से ज़्यादा कर लें। मेरे अभी फ़िलहाल तो बेटी है और मैंने ही खाना है और किसी ने अभी इधर नहीं खाना, तो इसलिए मैंने इतना सा मिक्सचर ही रेडी किया है। ठीक है, साथ साथ कर लिया जाए तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर रख के फ्रीज किया जाए तो उसका टेस्ट नहीं इतना अच्छा आता। तो अब मैं ब्रेड लेती हूँ और उसे दिखाती हूँ आपको कैसे रेडी किया जाएगा। ये देखें चिप्स बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने इसमें से निकाल ली है। ये मैंने ब्रेड ली है, 1, 2, 3, 4 स्लाइस लिए हैं। तो अब मैं इसकी ये जो ब्राउन वाली साइड होती है ना, ये कट करके उतार दूँगी, इससे सिर्फ दरमियान वाली यूज़ करूँगी। और ये फेंकनी नहीं है, ज़ाया नहीं करनी, ये काम आ जाती होती है, इससे ज़ाया ना किया करें, इसे रख लिया करें। ये साइड जो उतारते हैं इसके क्रम्स रेडी हो जाते हैं। देखिए इस तरह हमें साइड से उतारने हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने उतार के रख ली हैं और मैंने तवा भी रख लिया है गर्म होने के लिए, हल्का हल्का नॉर्मल। इन्हें ब्राउन किया, अगर आप पहले इन्हें ब्राउन करना चाहें तो ब्राउन कर लें, अगर आप रेडी करके हर चीज़ लगा के इसी तरह रख के ऊपर ब्राउन भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूँगी कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इन्हें ऊपर से गर्म करूँगी, हल्का सा ब्राउन करूँगी, वो वाला आपको तरीका बताती हूँ। फिर मैं आपको दूसरे वाला एक बताऊँगी वो कैसे रेडी होता है। ये देखिए इसी तरह मैंने सादा सा ऊपर रख दिया, इसको हमने दोनों तरफ से हल्का हल्का ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट लाइट। ये देखें इसी तरह हल्का हल्का करना है हमने। ये देखें मैंने चिकन स्प्रेड जो है वो मैंने इस पर लगाई है सबसे पहले। मैं हल्का हल्का इनको दूंगी क्योंकि छोटी है अभी वो, इसीलिए। और इसके ऊपर ही मैं चिकन रख दूंगी। इसी तरह से अब मैं इस पर केचप, अब मैं इस पर केचप लगाऊंगी। ये देखिए ठीक है, और इस पर इसी तरह से खीरा रख दूंगी। और अब ये अब हम इन्हें थोड़ा सा हल्का सा ना इसी तरह इन्हें गर्म कर दिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो फिर बच्चे तो वेट नहीं करते देख के ठंडा होने का, तो बस हल्का सा। देखें जी कितना मज़े का लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी ज़रूर अपने घर में बना के ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए मैंने इसके लिए रेडी कर दिया है, अब वो मज़े से खाएगी। जी जी आपने भी लेना है, अच्छा मैं आपको। और ये छोटी के लिए मैंने रेडी कर दिया है, अब वो खाएगी मज़े से बैठ के। वो चेक कर रही है कि गर्म है अभी, इसने उसे छोड़ दिया है और वो दूसरा शुरू कर लिया है। ये तो केचप की बहुत शौकीन है। उर्वा को मज़ा आ रहा है? आपको मज़ा आ रहा है? आपको मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। वो देखो वो उसकी केचप ले रही है। उमियान नहीं अपनी फिनिश करे, उर्वा को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना।
और अब आपने अपना सैंडविच भी सारा फिनिश करना है, ठीक है? ओके, तो मामा को थैंक यू नहीं बोलना? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज मेरा रेसिपी जो सैंडविच था बच्चों वाला सादा सा, वो बहुत आपको पसंद आया होगा। आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कैसा लगा है मेरा सैंडविच। बहुत मज़े का है, घर में बना के अपने ट्राई करें, बहुत मज़े का सैंडविच है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और जिन्हें मेरा पसंद आएगा वो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अब मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।